अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे रोशन पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट चाचा रोशन। तो ऑलरेडी आपको पता है मैं एक ब्लॉगर हूँ और ब्लॉग भी बनाता रहता हूँ, लेकिन मैं इस मकान में जिस पे काम कर रहा हूँ अभी, तो ये मैंने ब्लॉग सिस्टम शुरू किया। तो यहाँ मेरे काम की बात हुई, तो ये बाजी हैं इस मकान के ओनर। तो मैंने इनसे पूछा तो ये इन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी मदरसा बना रहे हैं, मदरसा बच्चों के लिए। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बाजी से रहा किया कि ऑलरेडी मैं ब्लॉगर हूँ, तो मुझे ये बात बताएं और हम अपने अवाम के सामने ये बात आपका जज्बा रखना चाहते हैं। वो क्यों? क्योंकि बाजी एक मजदूर है, मजदूर होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अपने खर्चे पे ये मदरसा बना लिया। असल में बाजी, वालेकुम अस्सलाम। ये बाजी आप हमारे ये वीडियो को बताया, देखने वालों को आपका जो जज्बा है माशाल्लाह ये दरसा बना रहे हैं, तो कैसे आपको शौक हुआ और क्या आप करती हैं ये हमें बताएं। हाँ जी, वो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जैसे आप बता चुके हैं कि मैं डिसेबल हूँ, तो मेरा बस जो है ना पढ़ने पढ़ाने में ही सारा सारी जिंदगी गुजरी है। शुरू में मैंने कुरान मजीद और दीनी तालीम हासिल की, तो उसके बाद जो है ना मुझे सब बच्चे मेरे बहन भाई स्कूल जाते थे, तो पहले मेरी स्कूलिंग नहीं हुई थी, उसके बाद मैंने कुरान मजीद और तर्जमा कुरान और ये तालीम मेरी कंप्लीट हुई। तो कुछ अर्से बाद मेरे घर में मेरी जो उस्तानी साहबा थी जिन्होंने मुझे कुरान मजीद पढ़ाया था, तर्जमा भी और जो है नाजरा कुरान भी, फिर उन्होंने मुझे बुजुर्ग थी वो, उन्होंने मुझे अपनी एक पोती दी थी, जो कहा था कि मैं आपकी सेवा और दुनिया में मैं अपनी जिंदगी गुजारनी है और हाथ पाँव के आपके काम नहीं करते, तो मैं जो है ना आपको एक बीज दे रही हूँ अपनी पोती की सूरत में, तो आप ना इसको अच्छी तरीके से आप याद करना। दुआएं दी थी बहुत सारी और मुझे उन्होंने वो कहा था कि ये एक बीज है जिसकी आपने बेहतर तरीके से आप याद करनी है और इसको फलने फूलने का मौका देना है। तो फिर बस ऐसे ही सिलसिला शुरू होगा, पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार, यूँ मैंने वो पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया कुरान मजीद का अपने घर में, अपने ही घर में बचपन से ही। अब मेरी उम्र उस टाइम 13-14 साल ही होगी जब उससे मैंने ये पढ़ाना शुरू किया, सिलसिला शुरू किया था। और उन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला ने आपसे हाथ पाँव जो है ना अल्लाह ताला ने आपकी वो नहीं दी सलाहियत, तो ये कुरान ही आपकी जिंदगी का साथी है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की दुआ का समर है, आज तक मेरे पास बच्चे पढ़ते आ रहे हैं और फिर मेरे पास 50-40-50 इतने ही मेरे पास कुरान मजीद पढ़ने वाले शागिर्द होते थे पहले से। आज तक आपके कितने जन के शागिर्द हैं जो कुरान मजीद आपसे? बहुत है, मेरे बाद बाद तो मेरे ऐसे भी शागिर्द आते हैं, मेरा क्योंकि बचपन था वो जो कुछ पढ़ी हुई खवातीन शादीशुदा खवातीन भी मेरे पास आके पढ़ती थी, कुछ मुझसे वो दीनी किताबें पढ़ जाती थी कुछ कुछ, तो इस तरह से वो मैं बात को पहचान ही नहीं पाती क्योंकि इब्तदाई दिन थे मेरे, तो मुझे नहीं पता होता। अब अभी तो कई दफा मुझे वो ऐसी खवातीन भी मिलती हैं, कहते हैं हम आपके पास पढ़ गए हैं, फिर अभी मुझे बताती हैं कि वाकई ये आपके पास पढ़ देता है, तो यकीन माने मुझे पता भी नहीं होता वो कौन लोग हैं। तो यूँ मेरा सिलसिला जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पाँव अल्लाह ताला ने इस सूरत में यानी वो मुझे मेरी महरूमी का अल्लाह ताला ने बस क्या अल्लाह ताला ने मुझे बस अल्लाह ताला रहीम हो करीम है, उन्होंने अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज सलब की कुव्वत एक चीज की तो दूसरी मुझे वसीयत कर दी। तो इसके बाद मेरा जो है ना वो बता रही थी आपको, उसके बाद मेरे छोटे मुझसे मैं सबसे बड़ी घर भी बहन भाइयों में से, उसके बाद मेरे छोटे बहन भाई पढ़ते थे, स्कूल जाने आने का मसला होता था, तो फिर वो मसला मैं शौक था मुझे कि बच्चे तो मेरे पास कुरान मजीद पढ़ते थे उस टाइम काफी सारे, लेकिन ये कि मेरे फिर शौक हुआ मैं बहन भाइयों के जो पढ़ के आते थे स्कूल से, मैं उनका होमवर्क देखती थी उनको लिखता हुआ देखती थी, उनका जो पढ़ के आते थे उनका वो सुनती थी, यूँ करते करते ना मेरी सेकंड लास्ट बहन जो है तो उनके साथ मैंने बकायदा जो है ना फिर जो चलता रहा, फिर वालिद साहब ने मुझे ट्यूशन रखवा दी, ट्यूशन भी मैंने खास नहीं पढ़ी, बस वो जो बोर्ड बोर्ड की क्लासेस होती थी बोर्ड की क्लासेस के लिए वो रखते थे ट्यूशन कुछ अर्से के लिए, उसके बाद वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे टीचर्स भी मुझे मिले हैं जिन्होंने मुझे सही तरीके से गाइड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद फिर एफए करने के बाद फिर मैंने मैट्रिक पीटीसी किया, वो मैंने बकायदा किया था, ये जो बाकी मेरी तालीम है वो मैंने घर में रह के ट्यूशन होम ट्यूशन रखा विजय अच्छे थे, उसके बाद जो है ना फिर मेरे बकाया
पीटीसी का जो कोर्स किया था 93 में 97 उन्होंने मेरे साथ आवन किया, उनसे पहले मैंने रिक्वेस्ट की कि तू आना चाहते हैं अगर प्राइवेटली हो सके। उन्होंने फरमाया कि नहीं प्राइवेट तो नहीं हो सकता, इसके लिए आपको रेगुलर आना पड़ेगा, आपको जो कोऑपरेशन चाहिए होगी मैं आपको कोऑपरेट कर दूंगी, जो भी आपको छोड़ने आएगा तो मैं उनको कह दूंगी कि आपके स्पेशल गेट खोल के और आपको जहाँ तक आपका क्लासरूम होगा वो आपको छोड़ दिया करें। यूँ फिर मैंने अपनी वो तालीम मुकम्मल की। एक और मसला था कि मैं अकेली नहीं आ जा सकती थी, मुझे कोई सपोर्टर चाहिए था जो मेरा सामान बैग वगैरह लेके जा सके। तो जो मेरी छोटी सेकंड लास्ट सिस्टर है उन्होंने आज तक ही वो मेरा सहारा बनी हुई है, उन्होंने मेरे साथ सहारा किया, उसको एफए कर रही थी तो फिर उनको स्टॉप करवा के वहाँ पर प्राइवेट को उन्होंने एफए किया और मेरे साथ जो है ना मेरे पीटीसी हम दोनों ने जो है वो की थी। उसके बाद हम दोनों की जॉब भी इकट्ठी ले रही हुई और यूँ फिर मैंने कुरान मजीद पढ़ा। 97 जॉब मेरी 97 मेरी जॉब हुई थी 12 फरवरी 1997। तो फिर यूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 26 साल सर्विस मुकम्मल की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा जो है मेहनत मेरी भी थी, मेरे स्टाफ का कोऑपरेशन भी बहुत। ऑन ड्यूटी है या रिटायर हो चुकी हैं? अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, मैं हुई हूँ दिसंबर 2022 से अब मैं रिटायर हूँ। तो बस यही मेरा शौक था, मेरे यही है मेरी जो है सारी जिंदगी का खुलासा। जो आपकी पूंजी है, जो आपने आपने सर्विस किया है और जितनी आपने इनकम इकट्ठी की है वो क्या आप मदरसे के ऊपर लगा रहे हैं? हाँ जी, वो यही सोचा है कि जब मैंने डिसेबल मेरे और तो कोई नहीं है मसाले, तो शुरू से ही शौक था, इनमें भी ख्वाहिश थी तो मेरे बहन भाइयों ने भी साथ दिया, तो यही हम सब ने मशवरा किया, मेरे बहन भाइयों का भी सामना था मशवरे में, मेरी भी ख्वाहिश थी कि बेटे मैं रिटायर हो जाऊँ तो मैं अपने आप को फारिग ना करूँ और जो कुछ मेरे वो उसके रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह ग्रेजुएटी वगैरह जो भी हो तो मैं इसको इस वक्फ कर दूँ। जब बच्चियों के लिए या बॉय? ये सिर्फ बच्चियों के लिए, सिर्फ बच्चियों के लिए, जो हम जो मैं अपनी मदद आपके तहत बनवा रही हूँ, किसी से कोई ताहम नहीं लिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह। और ख्वाहिश यही है कि यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ जाए कुरान मजीद और कोशिश करेंगे कि यहाँ का मियार तालीम भी अच्छा रखें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से पूरी तवक्को है कि जब वालदैन यहाँ पे बच्चियों को भेजेंगे तो इंशाअल्लाह मुतमईन होंगे, कोशिश करेंगे हमारी और कामयाबी अता करने वाले की अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह ताला का आज तक मुझ पर बहुत करम रहा है, उम्मीद है अल्लाह ताला आइंदा भी अपना साथ कायम रखेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बाजी एक मजदूर एक डिसेबल होने के बावजूद भी इतनी मेहनत कर रही है कि अल्लाह के राह पे अपनी जिंदगी वक्फ कर दिया है और ये मदरसा बना के बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देने के लिए ये कर रही है इतनी मेहनत कि हम क्यों नहीं कर सकते। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि हम इतना सिर्फ कोई चीज़ भी हो ना कोई चीज़ लेकर हम अल्लाह ताला का इतना शुक्रिया अदा करते हैं तो उसके बाद हर टाइम यही है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी जो है बना मदद कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बिल्डिंग पे आपको पता है कितना ही अखराजात होते हैं लेकिन बाजी अकेले इनको वक्फ़ा दिए हैं तो अल्लाह ताला बाजी की मदद फरमाए और आप देखते रहे रोशन पाकिस्तान और चाचा रोशन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।